बायोटिया कहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों में चाय बेचता था। चाय बेचते बेचते उसको तजर्बा आया, उसने पूरे हिंदुस्तान की ट्रेनें ही बेच डाली। और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी बड़ी है कि मोदी जी बड़े हैं? इनको राइट नहीं है यह नोट बंद करने का, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी माँ है। इसने कैसे बंद कर दिया? और अगर किसी के पास 500 या 1000 का नोट अभी हो और लक्ष्मी जी के लिए छोटे वर्ग के लोग खौफ पूजा करते हैं और भी करते हैं, किसी के पास 500-1000 का नोट हो और उनकी देवड़ी पर रख दो, हे लक्ष्मी माँ जे 500-1000 का नोट है इसे चला दो, तो चला सकती है क्या लक्ष्मी जी? नहीं चला सकती है। काय उनके तो 10-12 हाथ भी है, पांव भी है, उड़ने वाले पंख भी है, नोट तो चल जाना चाहिए। और मोदी जी दोबारा कह दे तो चल जाएगा? कहाँ पावर है? मोदी जी बने कहाँ से है? ये पावर आई कहाँ से है? ये वोट की पावर से आई है। एवं माता सावित्री बाई फुले को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम भारत का सफाई अभियान चलाया धोबी दिवाकर समाज में जन्मे संत गाडगे बाबा को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम बहुजनों के नायक गूंगों को जवान देने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ। बहुजनों के नायक मानवर कांसीराम साहब को नमन करता हूँ। तथा महिलाओं के बदन पे कपड़ा ढकने वाले मसीहा टीपू सुल्तान को नमन करता हूँ। तथा रेखवार समाज की वीरांगना फूलन देवी जी को नमन करता हूँ। तथा तमाम महापुरुष पैदा हुए सभी जाति वर्ग में, जैसे हमारे पाल समाज की इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर को नमन करता हूँ। तमाम महापुरुष है, अगर उनका नाम लिया जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन ये पिछड़े वर्ग का इतिहास कम नहीं पड़ेगा। साथियों, तो मैं आप लोगों के बीच में एक कार्यक्रम लगाया है जिसका मैंने नाम रखा था बुंदेलखंड राज बनाओ, और बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल बनाई जाए, बुंदेलखंड में, जिससे हमारे गरीब तबके के लोग जो यहाँ से काफी संख्या में दिल्ली और बम्बई जाते हैं, अगर बुंदेलखंड राज बनेगा, चाहे महोबा बने, चाहे आपका झांसी जिला बने, तो यहाँ जो है गरीबों को यहाँ डीएम भी मिलेगा, पीएम और सीएम भी मिलेगा, और यहाँ एक हाई कोर्ट भी होगा। साथियों, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था उन लोगों ने गीता और पुराण लिख डाली, और जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उन लोगों ने भारत का संविधान लिख डाला। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ 2014 के पहले देश का बायोटिया कहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों में चाय बेचता था। चाय बेचते बेचते उसको तजर्बा आया, उसने पूरे हिंदुस्तान की ट्रेनें ही बेच डाली, पूरे हिंदुस्तान की ट्रेनें ही बेच डाली। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ लोहा दिया लोहार को, लोहार ने हथौड़ा बना दिया, और सोना दिया सुनार को, सुनार ने पायल बना दिया, और 2014 और 2024 में वोट दिया आपने मोदी जी को तो उसने कटोरा थमा दिया। साथियों, मेरा नाम रमेश चंद्र निषाद है, और मैं बार बार कहता हूँ ऊपर अल्लाह और बीच में मल्ला, और बीजेपी के लोग
इंडिया गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और इंडिया गठबंधन में हमारे सारे जो साथी जितने हैं जिन्होंने भागीदारी में आग मोर्चा बनाया है, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बाबूराम पाल जी यहाँ विराजमान है, उनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने आपके लिए इतना समय दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुराज कश्यप जी जिन्होंने आपको यह समय दिया। इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे सरबजीत सिंह खंडसार जी विराजमान है जिनकी पार्टी है अपना दल अपनी जिंदगी और इसी से होगा सबका हल। हमारे बीच में आदरणीय रामधनी बिंद जी जिनकी पार्टी है भारतीय मानव समाज पार्टी, किसी कारणवश पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी नहीं आ पाए हैं जिनकी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, उसका भी मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा भी मैं वीर फूलन देवी जन संगठन का संस्थापक हूँ और मैंने ये संगठन बनाया है। इसके अलावा भी मैं जब तब संगठन ठगी पीड़ित परिवार का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जो पूरी दुनिया में मदन लाल आजाद और हम मिल करके जैसे सहारा इंडिया का पैसा, साई का पैसा, पल्स का पैसा, ऐसी 3 लाख कंपनियों में पैसा फंसा है, ये मुद्दा मदन लाल आजाद और रमेश चंद्र निषाद पश्चिम तक और कन्यारी कुमारी से दिल्ली तक की लड़ाई ये संगठन लड़ रहा है। साथी आज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मछुआरा जाति के लोगों से, आप लोगों को हिस्सा ऐसे शायद मेरे अंदाज से मिलने वाला नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर हिस्सा चाहिए तो आपको मछुआरा जाति के लोग और अन्य जाति के लोग जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं सारे लोग जब तक एक मंच पे खड़े नहीं होंगे और अपने पिछड़े वर्ग की बात नहीं मानेंगे तब तक तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। साथी आज आप लोगों के इस प्रदेश में मुद्दा है, इस प्रदेश में समस्या है, बेरोजगारी है, जितने मछुआरों के ताल पोखरी हैं बड़े बड़े सामान साइयों के कब्जा में है, जितने भी ठेका पट्टे हैं वो सामान साइयों के कब्जा में है। आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है, नाई की स्थिति बहुत खराब है, कुशवाहा की स्थिति बहुत खराब है, तब हम लोगों ने मिलकर के 7-8 भाइयों ने मिलकर के भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है जिसका नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा हो समान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको हो शिक्षा एक समान। तो हम लोग चाहते हैं आप लोग सोच रहे हो ये सरकार हमें 5 किलो गेहूं देती है तो गलत फहमी में हो आप लोग। आप लोग सोच रहे हो ये सरकार आप लोगों को 3 महीने में 6,000 रुपया देता है तो गलत फहमी में हो आप लोग। आपका पैसा ये सरकार नहीं लौटा रही है। जैसे डीजल की कीमत बड़ी समस्या है, डीजल की कीमत 26.46 रुपया है, रिफाइनरी करके उसकी कीमत 50 रुपया होना चाहिए, वर्तमान की सरकार उसको 84 रुपया लीटर बेच रही है। जैसे पेट्रोल की समस्या है इसकी कीमत 36.36 रुपया है, इसको ये सरकार 100 रुपया लीटर बेच रही है और आपको अगर वो दे रहे हैं तो आपको 6,000 रुपया वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बार भागीदारी न्याय मोर्चा का मुख्यमंत्री बना दीजिए सुभाष कश्यप जी को, बाबूराम पाल को, रमेश चंद्र निषाद को, रामधनी बिंद को, सरजीत सिंह खंडसाल को। ये लोग आपको आवास दे रहे हैं कि आपने जमीन बेच के दे रहे हैं, इन लोगों ने एक आवास दिया हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें घरवाली को आवास नीचे बना दे और आदमी को आवास ऊपर बना दे, हमें कौन अपनी जेब से देना है। आप लोगों को जो 5 किलो गेहूं बांट रहे हैं हमें आप मुख्यमंत्री में पहुंचाइए, हम उसको 10 किलो कर देंगे, हमें कौन अपनी जेब से देना है। आपका जो डीजल पेट्रोल है इसको जो रिफाइनरी करके इसकी सही कीमत है उसे हम 50 और 60 रुपए लीटर बिकवाएंगे, इस टैक्स से आपको खरीदते हैं लोग। जैसे आप सोचते हो कि ये पैसा देते हैं तो वो अपनी जेब का नहीं देते हैं, साथियों ये आपके टैक्स का पैसा है। जैसे पेट्रोल
ये कुछ नहीं दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है भारत में आपके घरों में जो बिजली लगी है, इसके पहले 2014 के पहले बिजली जो है वही थी और इससे बड़ा बल्ब था जिसको 100-100 वाट का यूज किया जाता था, लेकिन उसका बिल 100 रुपया से 150 रुपया से ज्यादा नहीं आता है। इस सरकार ने जब से 2014 में बैठी, इस सरकार ने स्पीड वाले मीटर लगा दिए हैं, और जब मीटर की क्षमता 1 किलोवाट थी, इसकी क्षमता 2 किलोवाट कर दी। इस सरकार ने आपके साथ लुटाई कर रही है और आप इसी को पसंद कर रहे हैं। अगर आपका 2 किलोवाट का है मीटर, तो सरकार को एक व्यवस्था बनाना चाहिए कि 2 किलोवाट से ज्यादा बिजली पे लोड पड़े और तत्काल मीटर को कट मार जाना चाहिए। लेकिन वो इतनी स्पीड में भागता है, आपका 200 की जगह 2000 रुपया महीना बिल आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के ऊपर जो बोलते नहीं है, ये डाकू दिल्ली और लखनऊ में बोलते हैं, काबा लादो निषाद कुशवाहा पालो, हम तुम्हें हवाई जहाज से फूल जरूर बरसाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इन डाकुओं को इस मंच के माध्यम से कि आपके साथ 2014 के पहले ये खाद की बोरी 50 किलो की होती थी, और जब से इन डाकुओं की सरकार बैठी ये 45 किलो की हो गई और इसका रेट भी बढ़ गया है। ये आपके साथ छलावा है। आप लोग गेहूं चावल जो भी अन्न उत्पत्ति करते हो, इसका रेट आप तय नहीं करते हो, और वो लोग इस चीज का आविष्कार करते हैं उसका रेट वो भी तय करते हैं, आपके सामान का भी रेट तय करते हैं। जैसे अभी 2020 के पहले किसान एमएसपी की बात करता था तो किसानों के ऊपर बुलडोजर पानी और आग के गोला फेंके गए साथियों, जहां 700 किसान मरे। आज जो है हम लोग मिल करके किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। आपके यहाँ नगोली गांव में रैकवाल समाज के सुन रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूँ आपके रक्षाबंधन के पहले हमारे मंगल की लड़की संध्या का बलात्कार किया गया है इसी महोबे जिले में, उसका आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। ये क्या है, हमारे यहाँ के नेता सो रहे हैं, जनप्रतिनिधि सो रहे हैं और प्रशासन के लोग भी सो रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी मछुआरा हूँ, जब चने चलाए पानी की मछली ढूंढ लेता हूँ बेटा, तो तुम तो बाहर वाली खट्टिया हो, तुम्हें तो हम ऐसे ही ढूंढ लेंगे। मैं तो निकला हूँ सिर पे कफन बांधने के लिए कि मछुआरों से लिया है पंगा, और 2027 में करेंगे बीजेपी और सपा को नंगा, जो पिछड़ों का हिस्सा नहीं देना चाहती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, पावर है क्या? आप अपने पावर का उपयोग नहीं करते हो। आप बताइए 2016 के पहले 500,000 का नोट चलता था कि नहीं चलता था? भाई कि नहीं चलता था? और धन की देवी कौन है? धन की देवी लक्ष्मी जी। नोट की लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी। और 2016 के रात के 11 बजे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया तथास्तु, 500,000 का नोट बंद। तो बंद है के चालू? और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी बड़ी है कि मोदी जी बड़े हैं? इनको राइट नहीं है यह नोट बंद करने का, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी माँ है। इसने कैसे बंद कर दिया? और अगर किसी के पास 500 या 1000 का नोट अभी हो, और लक्ष्मी जी के ये छोटे वर्ग के लोग खौफ पूजा करते हैं और भी करते हैं, किसी के पास 500,000 का नोट हो और उनकी देवड़ी पर रख दो, हे लक्ष्मी माँ, जे 500,000 का नोट है इसे चला दो, तो चला सकती है क्या लक्ष्मी जी? नहीं चला सकती है। काय? उनके तो 10-12 हाथ भी हैं, पांव भी हैं, उड़ने वाले पंख भी हैं, नोट तो चल जाना चाहिए। और मोदी जी दोबारा कह दें तो चल जाएगा? कहां पावर है? मोदी जी बने कहां से हैं? ये पावर आई कहां से है? ये वोट की पावर से आई है। ये शक्ति आप हमारे
मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश के, और ये कह देंगे तथास्तु, यहाँ हनुमान जी का रोड है, इधर से फूल लाल करने तो कर जाए के नहीं करे। कहाँ पागल है हमारे राम धनी बिंद जी, मुख्यमंत्री बन जाए और कह देंगे इस गांव में 8 पास के बच्चा बच्ची है, डीएम एसपी तो नहीं बन सकते हैं, चपरासी बन जाए और कह दे तथास्तु तो हो जाए के नहीं। कहाँ पागल है वोट में, वोट तो आपके पिछड़े वर्ग के लोग, शराब में देते हो, ब्लाउज में देते हो, साड़ी में देते हो, घोष में देते हो, जब तक आप अपने वोट की ताकत नहीं समझोगे, अपनी बेटी की ताकत नहीं समझोगे, तो मैं कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, अभी 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठा है, ये कहां का मंत्र था, ये अपने बाप के मंदिर पर मच्छिंद्र लाल निषाद के, मच्छिंद्र निषाद के मठ पे मंत्र था, और वह अगर देवताओं में शक्ति होती तो वहीं से योगी जी कह देते तथास्तु, डीएम एसपी बन जाए, 5 किलो गेहूं मिल जाए, सिलेंडर फ्री हो जाए, तो हो सकता था का नहीं हो सकता है। और अब जब वो मंदिर छोड़ के उत्तर प्रदेश के मंदिर पे बैठ गए, अब कह दे दो हो जाएगा, कहां पावर है उस मंदिर में, पावर है कि उस मंदिर में, तो उस मंदिर से तुझे मछुआरा जाति के लोग बहुत दूर है। अरे मैं तुम्हें कहने आया हूं, जब भी वोट का मामला हो, बेटी का मामला हो, अगर आप में अकल नहीं है तो जो दो जातियों की तरह नकल कर लो, अहरवाल समाज से, यादव समाज से सीख लो। 40 साल पहले अहरवाल समाज को कोई दरवाजे पर नहीं बिठाता था, लेकिन काशीराम साहब आए और उन्होंने कहा जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली और यूपी में राज करेगा, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये नारा लेके आए थे, साइबर कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि काशीराम साहब ने एक बहुजन समाज बना करके और सत्ता की बात बताई, और 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बनी। उनके जब बनने पर 8 पास 10 पास इंग्लिश मीडियम करने वाला बच्चा बच्ची उनका डीएम बना, उनको लगा कि इससे मलाई आती है, और जब मलाई आती है तो वो अपना वोट साड़ी ब्लाउज में नहीं देते हैं, उनकी तौल भर आप सोना दे दो, उनकी तौल भर शराब पिला दो, नोट दे दो, लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तो हाथी के सामने वाला बटन दबाते हैं। इसी तरीके से यादव समाज के लोग होंगे, वो सुन रहे होंगे, मैं दावे से कह रहा हूं उनकी तौल भर उनकी सेवा कर देना सोने हीरा जवाहरात से, लेकिन जब वो वोट डालने जाएंगे तो साइकिल का बटन दबाएंगे। लेकिन एक रैकवाद समाज, चुनाव आता है बोले ते भार आ गो, एक पक्का के 4 पक्का फ्री मिल रहे, 10 दिन तक टेंशन नहीं है, आड़े पीते हैं, आड़े बोलते हैं, आज ये बंद कर दो मेरे भाइयों, मेरी समाज की इतनी संख्या है, तुम 40 जातियों में बटे हुए लोग हो, तुम्हारी भारत में 42% संख्या है, तुम्हारे 42 विधायक सांसद नहीं है, और जो विधायक सांसद बैठे हैं वो दूसरों के घरों में दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, दूसरों के घरे में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के साथ है, केंद्र में उसका साथ है, कहां जरूरत है, आरक्षण की बात करता है, और जब तुम देने लायक हो तब तुम दे नहीं रहे हो, जब सरकार चली जाएगी तब देगा क्या, तो ऐसे पहलुओं से साथियों बचना जरूरी है। ये रमेश चंद्र निषाद तुमसे कहने आया, मैं भी भाजपा और समाजवादी पार्टी में चला जाता, लेकिन मैं तो मंत्री बन जाता, लेकिन मुझसे दरी बिछवाते वो लोग, पानी भरवाते वो लोग, और जब गांव में आता तो आपके पीछे पीछे दरोगा एसपी डीएम पुई पुई करके घूमता, आपको लगता मेरा मंत्री आ गया है, अब तो जो तलाम हो बापई को हो जाने, जो पहाड़ मोरो हो जाने, दिमाग हटा दो, जैसे तीतर गुलाम है तोता गुलाम है, जैसे तीतर गुलाम जानते
सुभाष कश्यप हमारे साथ है, रामधनी बिंद साथ है, रमेश चंद्र निषाद साथ है, राजकुमार सैनी जी साथ है, आपके बाबूराम पाल जी साथ में है। अरे तुम्हारे पास तो हरी भरी बगिया आज भी है और तुम एक नहीं हो पा रहे हो। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अकल नहीं लगाओगे तो दावे से कह रहा हूँ कि मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अब पत्ता पत्ता डोल रहा है भागीदारी के न्याय के मोर्चा के नारों से। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अब पत्ता पत्ता डोल रहा है भागीदारी के न्याय के मोर्चा के नारों से। लास्ट बात कह देना चाहता हूँ, ऊपर अल्लाह और बीच में।